नमस्कार, मैं हूं अमनप्रीत कौर। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक जो सबसे यंगेस्ट हैं, साधना भारती जी से। तो साधना जी, आपका स्वागत है हमारे मीडिया हाउस में। इसके साथ ही साधना जी, मैं ये आपसे एक पूछना चाहूंगी बात कि 70 साल कांग्रेस का इतिहास रहा है, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी रही है ये, तो 70 साल आपके राज करने के बाद आज ऐसी कंडीशन कांग्रेस की क्यों हो गई है? बेटी बचाने के लिए मैंने कहा पहले बेटे को बचाओ नशे से, जब नशे से बेटा बचेगा तो बेटी अच्छे घर में जाएगी तो बेटियां तो अपने आप बचने आप बच जाए। तो वो चीज को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। बात रही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की, जो आपका सवाल है कि कांग्रेस की क्या हालत रही, तो देखिए एक राजनीति में उतार और चढ़ाव, जैसे जीवन में उतार चढ़ाव नॉर्मल है जी, तो वैसे ही मुझे लगता है कि राजनीति में उतार और चढ़ाव आते हैं जी। एक दौर वो भी था हमारा जब हम पूरे देश में राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, राज्यों के साथ साथ केंद्र में हमारी सरकारें थी जी जी। एक दौर भाजपा का वो था जहाँ 2 सांसद हुआ करते थे संसद में। यहाँ देखिए भाजपा के 3 संसद थे, 300 से वो 300+ हो गए। और कांग्रेस हर जगह राज कर रही थी, ना कि सिर्फ स्टेट पे सेंटर पे, तो वो एकदम सिकुड़ती हुई चली गई है। तो इसके लिए क्या अच्छी लीडर की कमी महसूस करी जा रही है? देखिए मुझे लगता है कि ये तो एक लोकतंत्र की खूबसूरती बोले आप इसको, कि जहाँ एक वो पार्टी जिसकी आप खुद बताते हैं 3 सांसद, बिल्कुल, जिसके 2 सांसद से 182 पे पहुंच गए जी, तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर सबके लिए संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं राजनीति में। कोई भी व्यक्ति हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख सकता है, रख सकते हैं और बन भी जाते हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये लीडरशिप की कमी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हर पार्टी के साथ ऐसा होता है, लोगों को कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं पसंद आई, तो लोगों ने हमें नकारा जी। मैंने कई चैनल्स पे भी बोला, डिबेट्स में भी जाती हूँ, तो मैंने यही बात रखी कि अगर लोगों ने नकारा है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। अब आवश्यकता है कि हम अपनी कमियों पर विचार करें कि हमारी क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, उसको विचार करने की आज आवश्यकता है। और मुझे लगता है कांग्रेस में वो अंतर्गत वो गतिविधियां चल रही हैं। देखिए एक तो होता है सत्ताधारी पार्टी, एक ऑपोजिशन होती है, तो अगर कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी भी नहीं रही तो आज वो ऑपोजिशन भी अच्छे से, ऑपोजिशन की जो मतलब जिम्मेदारियां होती हैं वो निभा नहीं पा रही, इसकी वजह क्या है? देखिए ऑपोजिशन में मैं नहीं मानती इसको कि वो नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे आपको याद होगा किसानों के लिए काला कानून लेकर आए जब इन्होंने अध्यादेश जारी किया कि भूमि अधिग्रहण में, तो उसके लिए सोनिया जी आगे आई थी और सोनिया जी ने सभी विपक्षियों को एक किया और हमने संसद से और राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया, तो उसके बाद इनको अपना काला कानून वापस लेना पड़ा। तो ये एक अपोजिशन की दृढ़ता थी कि हमने उस कानून को वापस करवाया। आज भी आप देख लीजिए जब जब ये ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो हमें पसंद नहीं है, जो जनता हित में, हमें जनहित में नहीं लगती, तो कांग्रेस के चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे और भी लीडर्स हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, स्टार प्रचारक के नाते, एक वक्ता के नाते मैं बोलती हूँ उन चीजों पर, और उसका असर हमारी जितनी क्राइटेरिया उस पर जाता है, लोगों तक पहुंचता है वो मैसेज। पर आपको नहीं लगता कि इसमें आप लोग थोड़ी सी देरी करते हो, क्योंकि 370 हटी, 35A हटी, जब लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, जब लोग संसद मार्ग या फिर इंडिया गेट पे जाके उसका विरोध करते हैं, तब कांग्रेस के प्रचारक पहुंचते हैं, जबकि आपकी एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे आपकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले उन चीजों का विरोध करना चाहिए जो लोगों के हित में नहीं है। देखिए मुझे लगता है जो आपने कहा 370 का, तो 370 का तो हमने हटने का विरोध किया नहीं जी, और उसके लिए हमारे विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी जी तो अपने एक पैनल के साथ वहां पे देखने जा रहे थे ना, जब उनको वहां एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया था शायद। देखिए वो नहीं, वो ये देखने गए थे कि क्या वहां कोई तकलीफें हैं जी, क्योंकि आज जब देश का माहौल जो दिखाया गया हमारी तरफ से, सिंधिया जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, जो बहुत बड़े लीडर्स हैं, इन्होंने खुद ट्वीट करके और मीडिया के सामने आकर कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, अगर मोदी जी अच्छी नीतियां लेकर आते हैं हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं ना, लेकिन हमारी परेशानी है जो आप राहुल जी का बता रहे हैं, तो वहां हम ये देखने गए कि जो मीडिया के थ्रू दिखाया गया कि वहां शांति है, तो क्या सच में शांति है, और अगर शांति थी तो क्यों राहुल जी को वापस किया गया? तो ये सवाल तो उठाए जाएंगे, और यही लोकतंत्र है ना, कि हमें अगर लगेगा तो हम सवाल उठाएंगे, और सत्ता से ही सवाल पूछे जाते हैं, अपोजिशन से सवाल नहीं पूछ सकते आप, आपको पूछना सत्ता से पड़ेगा। जब हम सत्ता में थे हमने सवालों को फेस किया, रोजगार की समस्या दिखी तो मनरेगा लेकर आए, संचार क्रांति जब लेकर आए तो आपको याद होगा इन्होंने विरोध करने का काम किया था कि मोबाइलें मत लाइए, रोजगार लोगों की मजदूरी छिन जाएगी जी। तो मजदूरी मोबाइल आने से नहीं छीनी, आज उसी को रास्ता बना के डिजिटलाइजेशन को लेकर आए। अगर राजीव गांधी जी संचार क्रांति नहीं लेकर आते तो आप कहां से डिजिटलाइजेशन की बात करते? बिल्कुल, जैसे आजकल मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाने की उसी के ऊपर जोर दे रहे हैं, उसी पर जोर दे रहे हैं, कैशलेस बनाने की बात करते हैं, लेकिन कैशलेस तो तब बनेगा, आप रिक्शे वाले के कैसे बिल पे करेंगे, क्या कैशलेस दे सकते हैं? तो आपको अगर कैशलेस बनाना है तो
स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है जो कांग्रेस चली है। तो कांग्रेस ने हमें कभी गलत नीतियों का विरोध नहीं किया, ये मनरेगा को आगे बढ़ाकर लाए, इन्होंने कई हमारे ऐसे कानून थे जिनके जो हमारी योजनाएं थी उनका नाम बदल दिया बस, और ये कहा हमले करें। आपने 6 साल शासन किया, अभी 6 साल हो गए, आपने किया क्या? आपने कहा कि हम काले धन को पकड़ के लाएंगे और काले धन के लिए रामदेव बाबा भी सामने आए, उनका सपोर्ट पूरा खुलकर किया। लेकिन मैंने कहा, मैंने शुरू से कहा, अगर आप एक बाबा बनकर सामने आ रहे हैं तो आप सबके लिए बराबर होने चाहिए। जैसे आपने कहा कि 6 साल आपने राज किया, तो ऐसे ही बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम लगाते ही रहते हैं, पर इसमें पिसता कौन है? एक आम नागरिक, एक आम भारतीय जो अपनी वोट दे के, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, उनको चुनता है, उनको अपने नुमाइंदे नियुक्त करता है और उनको अथॉरिटी देता है कि वो देश को चलाए। तो आज आप जैसे बोल रही हैं साधना जी कि आपने आपकी पार्टी ने हमेशा विरोध किया है जो चीजें देश के विरोध में गई हैं, तो आपको सीएए और एनआरसी के बारे में क्या लगता है? देखिए सीए तो इन्होंने कानून बना दिया जी, पहले वो सीएबी था, अब सीए हो गया, एक्ट बन गया, पास हो गया, दोनों सभाओं में पास हो गया। मुझे सीए से इसलिए दिक्कत नहीं थी एक टाइम पे, क्योंकि सीए तो एक ऐसी चीज है कि आप कह रहे हैं नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है आप नागरिकता दे, लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर हम अलग नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। तो आप संसद भवन में खड़े होके एक अलग से एक गुट का नाम लेते हैं, धर्म का नाम लेकर ये बोलते हैं कि इनके अलावा हम सबको नागरिकता देंगे जी। तो आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति, मैं कहती हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, क्यों नहीं श्रीलंका के जो तमिल है उनको क्यों नहीं नागरिकता की बात जी, करते जी। तो जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों की जब बात आप करते हैं, तो अगर कोई मुस्लिम वहां पीड़ित हो जाता है जी, तो क्यों आप उसको नागरिकता नहीं देंगे? हमें इससे दिक्कत है। साधना जी, आप क्योंकि स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस की, तो क्या मुझे आप एक चीज बताएंगे कि अगर आपको सीएए, एनआरसी, एनपीआर पसंद नहीं आया, आपकी पार्टी को पसंद नहीं आया, तो आपकी पार्टी के नुमाइंदे प्रियंका जी, सोनिया जी या फिर राहुल गांधी जी शाहीनबाग क्यों नहीं गए उन लोगों को, उनको अपना सपोर्ट देने के लिए, उन लोगों के साथ खड़े होने के लिए? क्या आपने ये जरूरी नहीं समझा? देखिए, मुझे ये लगता है कि अब आप सीए और एनआरसी की बात करें जी, तो मुझे पहले तो ये लोगों को समझने की आवश्यकता है कि एनआरसी एनपीआर है क्या? है क्या? बिल्कुल। सिर्फ मोदी जी ने तो हिटलर शाही चला रखी है जी, कि आप एक झूठ को 100 बार बोली और लोग सच समझने लगे। पर मोदी जी और अमित शाह ने बहुत बार बहुत सारी जनसभाओं में ये बोला है कि एनआरसी और ये सीएए जो भी है, ये नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का अधिकार है, और देश के लोगों को वो कुछ कह ही नहीं रहे, ये वो लोगों के लिए है जो लोग बाहर शरणार्थी हैं और अल्प जनसंख्यक हैं, तो उनके लिए है, देश के लोगों को इसके बारे में कुछ सोचने की, कुछ डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, चाहे वो अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो। लेकिन बात यही तो समझने की है कि अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में ही तो अल्पसंख्यक मुसलमान है जी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं है, वहां के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ फिर नागरिकता देनी है तो फिर मुसलमान को क्यों हटाया है उस कैटेगरी से? क्योंकि वो, आप कह रहे हो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक ही तो नहीं है, पीड़ित तो हो सकता है, दुखी तो हो सकता है, परेशान तो हो सकता है, हो सकता है। पाकिस्तान से आप अदनान सामी को बुला के नागरिकता देते हो 2016 में, अदनान सामी के पिता अरशद सामी जो की पाकिस्तान के एयरफोर्स में पायलट रहे, इसका मतलब सरकार ने ये मतलब दिखा दिया कि वो लोग धर्म के नाम पे किसी को भी कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, किसी को भी अलग नहीं कर रहे हैं। अगर वो अनंत स्वामी को यहाँ पे नागरिकता दे सकते हैं, तो उन्होंने फिर आप कैसे बोल सकते हो कि उन्होंने मुस्लिम लोगों को इससे बाहर रख दिया? तो वही मैं आपको बता रही हूँ ना, अदनान स्वामी, वही तो कह रही हूँ जी, अलग किया उन्होंने तो, अमित शाह जी ने तो राज्यसभा में खुद खड़े होकर पढ़ा ना पत्र, और मुसलमान को एक तरह से अलग से उन्होंने कैटेगराइज किया है जी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, 2016 में जिन अदनान सामी को बुलाया, उन अदनान सामी की हिस्ट्री ये है कि उनके पिता अरशद सामी पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट रहे, वहां के डिप्लोमेट रहे, कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के जो सिक्योरिटी थी उसके चीफ प्रोटोकॉल रहे, प्रोटोकॉल के चीफ रहने के बावजूद 1965 के युद्ध में उन्होंने अपने एयरफोर्स के जो प्लेन चलाते हैं एयर फाइटर प्लेन से अनेकों बम गिराकर हिंदुस्तान के सैनिकों को मारा, मौत के घाट उतारा जी। और उन्हीं अदनान सामी को ये 2020 में 26 जनवरी को पद्मश्री दे देते हैं। तो पाकिस्तान के एक नागरिक को, एक डिप्लोमेट के, पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट के बेटे को बुला के तुम नागरिकता दे सकते हो, लेकिन पाकिस्तान का अगर कोई और मुसलमान पीड़ित हो गया उसको नागरिकता नहीं दोगे जी।
तो कैटेगराइज नहीं है तो और किसको कैटेगराइज कहते हैं? तो फिर आप क्यों नहीं शाहीनबाग पहुंचे उन लोगों का साथ देने के लिए जो इस विरोध में बैठे हैं? कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर शाहीनबाग गए, लेकिन आपने दिग्विजय सिंह जी गए, दिग्विजय सिंह जी ने खुद वहां जाकर कहा, लेकिन अब आप जब हम शाहीनबाग पहुंच जाते तो भाजपा कहेगी अरे ये तो लाइमलाइट लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन शाहीनबाग गए लेकिन भाषण नहीं दिया उन्होंने, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने दर्ज कराया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हम दिखावे के लिए और मीडिया के लाइमलाइट के लिए साथ नहीं। पर मीडिया वालों ने ये चीज मीडिया वालों से छुपी कैसे रह गई ये चीज? अब ये तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि मीडिया वालों से क्यों छुपी रही। हर कोई आप जैसे पत्रकार नहीं बचे अब दुनिया में। मुझे लगता है हिंदुस्तान में पत्रकारिता का वो दौर था जबकि सरकारों के नुमाइंदों से सीधे सवाल पूछा जाता था। एक समय वो था जब प्रिंस गड्ढे में गिरा था तो पत्रकारों के कारण उसे गड्ढे से निकाल लिया गया, और एक समय वो था कि प्रिंस जो गरीब परिवार से था उसके बाद पैसे की कमी नहीं रही क्योंकि पत्रकारों ने उसको अच्छे अच्छे लोगों तक पहुंचा दिया, लाइमलाइट मिली और लोगों को पता लगा कि इतनी गरीबी में भी कोई जी रहा है तो वो नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में, तो लोगों ने उसको मदद की। तो उसके बाद बहुत सारे लोग बोरवेल के खड्डे में गिर गए, मर गए। लेकिन पत्रकारिता वो एक लाइन है जो अंतिम छोर के व्यक्ति को टच करती है और अंतिम छोर के व्यक्ति से और जो यहाँ नुमाइंदा बैठा है उस तक पहुंचाती है कि अगर वो नहीं पहुंच पा रहा तो आप उसको खटखटा के कहते हैं कि अरे भाई तू क्यों नहीं सुन रहा, वो व्यक्ति मर रहा है उसको बचाओ जाके, तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम उस पर क्यों नहीं कर रहे, आप उस पर उंगली उठा सकते हैं। तो मैं उसी से प्रभावित हुई थी, उसी इंसिडेंट से, जब मैंने सोचा कि मुझे पत्रकार बनना है तभी मैंने पत्रकारिता की। लेकिन आज की पत्रकारिता वो नहीं रही और ये मैं खुलेआम इसलिए कह सकती हूँ कि आज जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का माना जाता है, आप सरकार से क्यों नहीं पूछते कि आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई पे कोई डिबेट नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य पे कोई डिबेट नहीं करते हो, नक्सलवाद आतंकवाद पे कोई डिबेट नहीं करते हो, दिल्ली में सीलिंग हुई उस पर कपड़ा मकान दुकान व्यापार पे कोई डिबेट नहीं करते हो, कारोबार पर कोई डिबेट नहीं करते हो, कपड़ा मकान दुकान पर डिबेट नहीं, इंसानियत और इंसान पर डिबेट नहीं। डिबेट किस पर हो रही है? हिंदू और मुसलमान पर हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हो रही है, नस्लों पर हो रही है, नागरिकता के प्रमाणों पर हो रही है, बाप दादाओं के जन्म स्थानों पर हो रही है। तो ये जो है ये डिबेट का हिस्सा बन गया। तो और नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा ना, जो खुद करोड़ों के सूट बूट पहनते हैं वो कहते हैं मैं चाय बेचता, तो पहले तो उन्हें किसी ने चाय बेचते नहीं देखा, फिर वो कहने लगे कि अरे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, उनका इंटरव्यू उठा के देखिए जो राजीव शुक्ला को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि नहीं मैं तो 10वीं के बाद हाई स्कूल तक पढ़ा, मैं तो भाग गया था 10वीं, भाग आया था, बहुत सारे इश्यूज उठे हैं उनके। आप 10वीं के बाद भाग गए, उसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन कैसे कर ली? मैं आज केवी की पढ़ी हुई हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय की दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ, मैं आपको ऐसे 10 लोगों से मिलवा दूंगी जो मेरे साथ पढ़े हुए कई बार टकरा जाते हैं, घूमते फिरते मिल जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक भी क्लास फेलो नहीं मिला, कारण क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं और आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं। एनआरसी एनपीआर को लेके मैं ये चीज साफ कर देना चाहती हूँ, मुझे डर है, ये डर है मुझे कि ये लोग हिंदुस्तान में फूट डालने की रणनीति की ओर आगे बढ़ गए। पर वो लोग तो बोलते हैं कि गांधी जी भी मतलब एनपीआर और ये एनआरसी और सीए के हित में थे, और वो गांधी जी की जो गांधी सोच थी, गांधी जी की जो प्रथा थी उसी को आगे लेके जा रहे हैं। ये गांधी जी का नाम लेना बंद करे जी, क्योंकि इन्होंने ऐसी एक लेडी को संसद में बिठा रखा है जो आतंकवाद की आरोपी नहीं, जो शिवराज सिंह चौहान के भाजपा के शासन में जेल में रही मध्य प्रदेश की, और उनको आतंकवाद की आरोपी होते हुए इन्होंने संसद भवन में पहुंचा दिया, और उन्हीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद भवन में महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को देशभक्त बता दिया। तो ये जो नाथुराम गोडसे को देशभक्त बता रहे हैं, ये क्यों किस मुंह से गांधीवादी की बात करते हैं? और गांधी जी ने हमेशा कहा अहिंसा का रास्ता अपनाओ, ये बात करते हैं। करकडूमा में रैली करते हुए मोदी जी ने कहा शाहीन बाग में विरोध नहीं प्रयोग हो रहा है, काय का प्रयोग हो रहा है? योगी आदित्यनाथ को शर्म नहीं आई ये बोलते हुए कि पुरुष तो चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं और महिलाएं चौराहों पर खड़ी हैं, 500-500 रुपए में बैठी हैं। आप महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। आज क्या महिलाएं वो बची हैं कि 500-500 रुपए में बचेंगी? आज महिलाएं इतनी आ गई कि आप मेरे से इंटरव्यू ले रही हैं, मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। जी बिल्कुल। महिलाएं वो हैं जो पायलट बन के प्लेन उड़ाती हैं, महिलाएं वो हैं जो मर्चेंट नेवी बन जाती हैं, महिलाएं वो हैं जो चुनावी मैदान से लेकर घर तक को संभाल लेती हैं, जो पुरुष नहीं कर सकते वो महिलाएं कर जाती हैं। आप महिलाओं को किस पैमाने पर आंकते हो? आप महिलाओं को बिकाऊ समझते हो? हालांकि आप बात करते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हो, और फिर जब हम कहते हैं तो कहते हैं अरे जी कांग्रेस तो पर्सनल हो जाती है। क्या पर्सनल हो जाती है? आपने कहा आपने शादी नहीं की, फिर आप अपने उसमें मोदी जी लिखते हैं कि जसोदा बहन मेरी बीवी है, फिर कहते नहीं नहीं है लेकिन संबंध नहीं है, तलाक नहीं हुआ लेकिन फिर भी बीवी नहीं है। तो आप या तो उनको प्रधानमंत्री हाउस में रखवाओ, अपने पहले शादी के 7 वचन निभाओ, उसके बाद बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का 8वां वचन निभाना लोगों को सिखाओ। तो ये चीज मोदी जी को समझने की आवश्यकता। तो यहाँ पे साधना जी बात कर रही हैं कि जो भी सत्ताधारी पार्टी है उनकी कहनी और कथनी में फर्क आता है, तो यही चीजें हैं जो देश को दुनिया को इन चीजों से पॉलिटिक्स से उनका जो उनका
जो पॉलिटिक्स में उनका होता है विचार, उनके विचारधारा को बदल देती हैं, पॉलिटिक्स पे उनका जो विश्वास होता है उनको वो बदल देती हैं। तो साधना जी, जाते जाते एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो ओरिएंटेशन चल रही है आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, ये सुई हमेशा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के आकर ही क्यों अटक जाती है? क्या आपकी जो कांग्रेस पार्टी है, जो बहुत विशाल है, जो 70 सालों से राज कर रही थी देश पे, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हम बोल सकते हैं, क्या उसमें कोई और नेता नहीं है जो आपकी पार्टी का एक स्टेबल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके? जी बिल्कुल, मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगी, लेकिन मुझे आज ये जरूरी लगता है, दिल्ली और देश में जो माहौल है, और वो बहुत एक ऐसा टॉपिक है एनआरसी जिसको आपने उठाया, सीए और एनपीआर एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है आज देश में। आज देश भर में, मैं अभी दिल्ली में जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो जगह जगह पर देख रही थी लोग कैंडल्स लेके खड़ी हुई हैं महिलाएं और नारे लगा रही हैं कि हम कागज नहीं देंगे, हम अपने नागरिकता के प्रमाण नहीं देंगे। और मैं कल गई हूँ खजूरी, खास जगह है दिल्ली में जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आती है, वहां गई हूँ मैं। वहां जाकर मैंने देखा कि महिलाएं रात में 2 बजे तक वहां बैठी रही और वो यही नारे लगा रही थी कि हम हल्ला बोलेंगे और इसलिए बोलेंगे कि हमें प्रमाण नहीं देने। जैसे हिंदू यहाँ पर रहा है वैसे ही मुसलमान भी यहाँ का नागरिक है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि एनआरसी क्या है। मोदी जी के शासन में एनआरसी लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भारत में बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के नागरिकता ले सकेंगे। मगर भारत की नागरिकता लेने के लिए भारत के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक यानी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वनवासी, किसान, नौजवान, मजदूर को भी अपने बाप दादाओं के जन्म स्थानों सहित अनेक सबूत सत्यापित कराने होंगे, और अगर वो सबूत सत्यापित नहीं करा पाएंगे तो वो भारत की नागरिकता से वंचित रह जाएंगे। मोदी जी को वोट देते वक्त जो वोटर कार्ड आईडी है उससे वोट देते हैं, अल्पसंख्यकों ने भी वोट दिया, बहुसंख्यकों ने भी वोट दिया, और हम सालों से सरकारें बनाते आए हैं रोटी रोजगार पाने के लिए, देश को चलाने के लिए और कानून बनवाने के लिए हम नेताओं को संसद में पहुंचाते आए हैं। लेकिन मोदी जी को वोट देते वक्त, बीजेपी के लिए बटन दबाते वक्त तक तो हम वोटर कार्ड के आईडी के आधार पर हम भारत के नागरिक कहलाए जा सकते हैं, लेकिन मोदी जी को पीएम बनाने के बाद क्या केवल वोटर कार्ड के आधार पर हम भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे? जिस वोटर कार्ड के आधार पर हम ट्रेन, हवाई जहाजों में सफर कर सकते हैं, जिस वोटर कार्ड के आधार पर आप कोर्ट से जमानत ले सकते हो, जिस वोटर कार्ड के आधार पर आप मोटर कार, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद खरीद सकते हो, ले क्या केवल उस वोटर कार्ड के आधार पर हम भारत के नागरिक नहीं कहलाए जा सकते? और अगर केवल उस वोटर कार्ड के आधार पर हम नहीं कहलाए जा सकते भारत के नागरिक, तो उसी वोटर कार्ड से वोट पाकर जो सरकार मोदी जी ने बनाई है पहले उसको निरस्त कर दे, इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री के पद से, और नागरिकता की बात कर रहे हैं ना तो नागरिकता के कार्ड सबको उपलब्ध करा दे और उस नागरिकता के कार्ड से चुनाव लड़ाकर फिर प्रधानमंत्री बनकर आए और तब एनआरसी और एनपीआर को लाने का सपना सजाए। हमारे वोट लोगे और हमें, और एक चीज मैं आप इंटरप्ट कर रही हूँ सॉरी, बट मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ, ये मेरे मन की भावना है जी, बिल्कुल, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसानदायक नहीं है, बिल्कुल, ये बहुसंख्यकों को भी नुकसानदायक है, बिल्कुल। अभी 31 अगस्त 2019 को शायद यही वजह रही है कि पंजाब के बहुत सारी सरदार कम्युनिटीज भी आके शाहीनबाग के लोगों के साथ, वो उसका कारण बता रही हूँ ना मैं आपको, बोल रहे हैं बिल्कुल। 31 अगस्त 2019 को भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के अंदर एनआरसी की आखिरी लिस्ट जारी हुई जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम शामिल है, इसमें केवल लगभग 3 लाख मुसलमान था और 16 लाख से ज्यादा बहुसंख्यक दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, वनवासी थे, जिनको बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंदू मानते हैं, जिनको बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंदू मानकर उन्हीं करोड़ों हिंदुओं को मुसलमान की आड़ लेकर, मुसलमानों की आड़ में एनआरसी लागू करके भारत से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, इनकी पूरी प्लानिंग है। और मैं कहती हूँ कि मोदी जी आप आज संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया है और ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाकर अल्पसंख्यक हिंदू और बहुसंख्यक हिंदुओं की लड़ाई एक हिंदुस्तान में खड़ी करने का पूरा रास्ता बना रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, जातिवाद की बात नहीं कर रही, बिल्कुल, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि साधना जातिवाद की, मुझे किसी जाति से मतलब नहीं, मेरे लिए मैं आपको बता रही हूँ ब्राह्मण क्षत्रिय, हाँ मैं तो मानवता के लिए काम कर रही हूँ, मेरे लिए कोई जाति मायने नहीं रखती, मैं खुद इंसानियत की बात करती हूँ, मैं तो मुसलमानों के लिए आगे आकर लड़ाई लड़ रही हूँ, तो मैं कहाँ जाति और धर्म की बात करूंगी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि एनआरसी को लागू करके ये बहुसंख्यक हिंदुओं के अंदर एक लड़ाई पैदा करना चाह रहे हैं, जिसको समझना पड़ेगा देश के हिंदुओं को भी साथ में, कि ये लड़ाई केवल मुसलमानों को बाहर करने की नहीं है, ये मुसलमानों की आड़ में दलित, पिछड़े, आदिवासी, वनवासी, जो गरीब तबका है उसको भी बाहर करने का रास्ता बना रहे हैं। अगर ये रास्ता नहीं बनाते तो 16 लाख हिंदू जो असम में जो लिस्ट जारी हुई उसमें जिनके नाम शामिल है, तो उसमें 16 लाख से ज्यादा हिंदू नहीं होते, केवल 3 लाख मुसलमान थे।
तो ये चीज समझनी है। अब मोदी जी ने कहा करकटुमा में, जैसे आपने बताया मोदी जी तो खुल के कह रहे हैं, वो तो हमेशा खुल के ही कह देते हैं 15 लाख से 20 लाख आएंगे, ये भी खुल के ही कहा था। बाद में अमित शाह जी ने अभी तो उन्होंने रिटर्न में दे दिया ना संसद में, चिन्मयानंद जो उनके गृह राज्य मंत्री है उन्होंने रिटर्न में ये चीज दे दी कि सीएए एनआरसी नहीं आएगा। देखिए रिटर्न में तो अब देखिए मैं ये कहती हूँ देश की जनता को ना मोदी जी पे भरोसा नहीं था। जी जी मुसलमान आज आप जाकर देखो नॉर्थ ईस्ट में सहमा हुआ है जी, डरा हुआ है जी, असुरक्षित महसूस कर रहा है। और बहुत दुख की बात है, मेरी भावनात्मक जुड़ाव मेरा इसलिए है क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा कि ये वो हिंदुस्तान है जहाँ ईद और दिवाली एक साथ मनाते हैं। जी बिल्कुल, मेरी मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड एक मोमडन है, वो मेरे यहाँ नवरात्रों में आती है, कीर्तन में भी बैठती है, मैं ईद पर उसके यहाँ जाती हूँ, सेवैया खाती हूँ, और नवरात्रों के टाइम वो मंदिर जाने से नहीं झिझकती, और मैं ईद में उससे गले मिलने से नहीं झिझकती, मैं अल्लाह के सामने हाथ जोड़ने से नहीं झिझकती, वो मेरी माता रानी के आगे ये सलाम करती है क्योंकि उसकी तहजीब सलाम करना सिखाती है, मेरी तहजीब हाथ जोड़ना सिखाती है। तो हम अपने तहजीब के हिसाब से, लेकिन हम दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं, ये संस्कार है भारत के, ये संस्कृति है भारत की, और दिल्ली मिनी इंडिया है जहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म सब जाति मिलकर हम रहते हैं। आप बाहर के लोगों को शरणार्थी बनाकर बुला रहे हो, अच्छी बात है, हम तो अतिथि देवो भव वाले लोग हैं, हम तो सम्मान करते हैं, लेकिन ये कैसा सम्मान है कि बाहर के लोगों को अंदर बुला रहे हो और अंदर वालों को कहो जी तुम भारत से बाहर चले जाओ, हमारा ही वोट लिया और हम ही बाहर भगा रहे हो। और जो पिछड़ा आदमी, आपको मालूम होगा आज राहुल गांधी जी ने भी कहा, अभी कोर्ट में सुनवाई भी हुई उत्तराखंड के अंदर से जो बात उठकर आई कि आरक्षण को समाप्त करने की बात उत्तराखंड में की गई, तो ये मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब तक अंतिम छोर के व्यक्ति तक रोजगार नहीं पहुंच जाए, वो अपनी इच्छा के अनुरूप रोजगार नहीं वो कर पाए, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। तो जब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए ना, अभी क्या सबको वो मिल गया? हिंदुस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं हुआ, तो जब तक डेवलप नहीं हो जाता आप आरक्षण किस आधार पर समाप्त करेंगे? दूसरी एक बहुत बड़ी बात मुझे याद आई, राम मंदिर जी, बड़ा नाम लेते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते, अरब रुपए का चंदा भी खा गए, पचा गए, बिना पचनौल के पचा गए। लेकिन जब इन्होंने राम मंदिर की बात की, अब कहा गया अरे कोर्ट ने राम मंदिर बना दिया, बीजेपी के नेता माला पहनने चले गए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने किया, कांग्रेस के शासन में भी 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, मैं डेट बता दूंगी आपको, आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक 2014 10 जनवरी को हुआ। पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे तो हैं क्या आपको मिले? तो मैं यही तो कह रही हूँ, ये तो राफेल की फाइल खो गई ना इनकी, तो ये कहां से सर्जिकल स्ट्राइक के, इनसे जो चीज मांग लो वो इनकी आग लग जाती है या खो जाती है, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। करने का काम किया। देखिए साधना जी, आपने बात करी शाहीन बाग की, तो शाहीन बाग को लेके अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन वाले दिन लोगों को अपील करी थी कि बटन ऐसे दबाना कि बटन का जो करंट है वो शाहीन बाग में जाके लगे, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत दुखद पूर्ण बयान है, बहुत ही गलत बयान है, घोर निंदा करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ और बहुत क्रोधित होकर ये बोलती हूँ कि जब एक परिवार का मुखिया घर चलाता है तो वो चाहता है मेरे परिवार का एक एक सदस्य सुरक्षित रहे, एक एक व्यक्ति सलामत रहे, किसी को चोट ना लगे, किसी को आंच ना आए, ये कैसा मुखिया है देश का जो देश के एक हिस्से को करंट लगाने की बात कर रहा है? और इनको शर्म आनी चाहिए, ये जिस जगह पर बैठे कम से कम अपना, इनको अपना तो समझ, क्योंकि अब क्या बोलूं मैं, तड़ी पार रहे हैं ना गुजरात से, सब जानते हैं ना, तो क्यों क्रिमिनल वाला की भाषा बोल रहे हैं, क्यों तोड़ने की हमेशा बात करते हैं? कम से कम कुछ नहीं तो अपनी कुर्सी का सम्मान कर लिया होता कि गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठा हूँ, ये पूरा गृह मंत्री मतलब घर बोलते हैं, गृह का मतलब आपका देश घर है, आप उसके मंत्री हैं, सुरक्षा आपके हाथों में है, आप ये बोल के देश के लोगों को डरा रहे हैं, आप धमका रहे हैं, और फिर मोदी जी कहते हैं ये तो विरोध नहीं प्रयोग है, हम तो बैठने नहीं देंगे, ये लोकतांत्रिक देश है भाई, कोई भी कहीं भी अपना विरोध कर सकता है। हाँ मैं बोलती हूँ कोई रोड जाम करना, किसी को परेशानी देना ये ठीक नहीं है, मगर अपना विरोध दर्ज हम करवा सकते हैं ना, मुझे गुस्सा आएगा तो मैं माइक पकड़ के कह सकती हूँ कि नहीं मोदी जी गलत कर रहे हैं, तो ये क्या मुझे जेल में डाल देंगे? तो अभी जैसे कि बहुत सारे एग्जिट पोल सामने आए हैं और एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है उसमें ये बात क्लियर हो गई है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए ये तो मैंने आपको बताया ना, दिल्ली का माहौल बता रहा था कि बीजेपी को तो बहुमत नहीं मिल रहा जी। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, इन्होंने हर तरह से एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, इन्होंने ये कह दिया 10 लाख रोजगार दे देंगे, लेकिन जो आदमी प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात झूठी बोलकर जो रोजगार छीन कर ले गए नोटबंदी करा के, सीलिंग करा दी इन्होंने, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, और उसके बाद जब ये नौकरियां नहीं दे पाए तो लोगों को पता है कि ये तो बाद में कह देंगे जुमला है जी। हम क्या करेंगे, किससे पूछने जाएंगे? अमित शाह तो कह देंगे अच्छा वो तो जुमला था, तो इनका संकल्प पत्र षड्यंत्र पत्र है जी।
और चुनाव के बाद वो षड्यंत्र पर जुमला पत्र बन जाता है। तो साधना जी, जब इलेक्शन शुरू हुए हैं तो तीन पार्टियां बहुत उभर के सामने आ रही थी, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और आप थी, पर जब एग्जिट पोल आया है तो कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, एग्जिट पोल्स तो एक तरह से एक अनुमान लगाते हैं, सर्वे कराते हैं जी, तो उस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, सब मीडिया हाउसेज हैं, सब अपने अपने सर्वे करा रहे हैं, वो उनका खुद का वो होगा जी। लेकिन मैंने जो देखा है, मैं एक चीज का तो आश्वासन दे सकती हूँ कि सरकार बनेगी तो धर्मनिरपेक्षतावादी बनेगी, सांप्रदायिकतावादियों की सरकार नहीं बनने वाली। एनआरसी एनपीआर को लागू कराने की जो बात कर रहे हैं उनकी सरकार नहीं बनेगी, झूठ जो बोल रहे थे उनकी सरकार नहीं बनेगी। दिल्ली को इनके पास, दिल्ली में केजरीवाल जी के ऊपर भी यही कहूंगी, गारंटी कार्ड दिखा रहे थे वो, उन्होंने कहा अस्पताल हमने अच्छे करा दिए, स्कूल, उन्होंने कहा था, कसम खाई थी अपने बच्चों की जी। अन्ना जी के मुखौटा लगा के जब आंदोलन कर रहे थे तो कहते थे कि मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ राजनीति में नहीं आऊंगा, सरकारी कार और मकान और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिया। उसके बाद कहते थे जनता की रायशुमारी से प्रत्याशी खड़े कराऊंगा, तो जनता की रायशुमारी का तो नहीं पता, नोट शुमारी से बहुत प्रत्याशी खड़े कराए। तो इसका मतलब साधना जी, जैसे आपने कहा, इसका क्या मैं यही मतलब निकालूं कि आपको भाजपा के साथ साथ आप भी इतनी पसंद नहीं है? तो अगर आपको आप पसंद नहीं थी, केजरीवाल आपको इतने पसंद नहीं थे, तो आपने केजरीवाल के साथ मिलकर 49 डेज की क्यों बनाई थी? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं होती, बिल्कुल, हमारी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई जी। हम बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे जी, हम बीजेपी के साथ कभी एक मंच शेयर नहीं करेंगे। तो क्या आपका मतलब है दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है? बीजेपी के बिना आपको जिसके साथ भी मौका मिलेगा आप सरकार बनाएंगे? नहीं, विचारधारा अच्छी होनी चाहिए ना जी। केजरीवाल जी की विचारधारा ये तो नहीं है कि हम लड़ाई करें, केजरीवाल जी ने दंगे तो नहीं कराए थे गुजरात में, केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में 2007 में बीन तो नहीं बजाया था सांप्रदायिकता का, संगीत सोम का हाथ तो नहीं दिया था। तो अगर ऐसी विचारधारा के लोग, अगर जरूरत पड़ती है और अगर हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव जब होता है खर्चा भी बहुत सरकार का होता है, तो उतनी फोर्सेस लगती हैं, उतना ही खर्चा वो ना हो, उसके लिए हम चाहते हैं कि अगर मिलके सरकार चल सकती है तो दोबारा चुनाव ना हो, लेकिन हमने देखा कि नहीं चल पाई मिलके, तो वो दोबारा चुनाव हुए। लेकिन हमने कोशिश की कि सरकार का पैसा भी बचे और दिल्ली की जनता का समय भी बचे, कि दोबारा चुनाव भी, उसमें अधिसूचना जारी होती है, आचार संहिता लगती है, कई चीजों पर बैन लगाया जाता है, कई चीजों पर रोक टोक की जाती है, तो वो ना हो, उसके लिए हमने कोशिश की कि दिल्ली का विकास ना रुके, उसके लिए हम कोशिश करें कि सरकार में आए, क्योंकि दिल्ली का हित कांग्रेस ने अच्छे से सोचा है। केजरीवाल जी के देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं किसी के खिलाफ नहीं, बिल्कुल, मेरे लिए बोला जाता है भाजपा के खिलाफ हूँ, भाजपा के नेताओं के खिलाफ हूँ। राम मंदिर की जब ये बात करते हैं जी, तो राम मंदिर पे इन्होंने कहा हमने राम मंदिर बनवा दिया जी, कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया, कोर्ट ने कहा ट्रस्ट बनाओ जी। एक मैं आपके इस माध्यम से जनता तक एक बात बहुत अच्छे से पहुंचाना चाहूंगी, जो मैं पहली बार बोल रही हूँ आज की जो कोर्ट की सुनवाई हुई उसके बाद, मैं इतना कहूंगी कि इन्होंने कहा ट्रस्ट बना दो, ट्रस्ट बनाने पे इनका पूरा ध्यान है, इसमें एक दलित आदमी को रख रहे हैं, बाकी सब अल्पसंख्यक हिंदू हैं, बहुसंख्यक हिंदू नहीं है, वो बहुसंख्यक हिंदू पिछड़ा, दलित, आदिवासी, वनवासी नहीं है, जो कि राम मंदिर के नाम पर उन्होंने लड़ाइयां लड़ी जी, अपने सर कटवाए, जो कि मरा, दबा, कुचला, और जब मुखिया बनने की बात आई तो हम मोहन भागवत जी का नाम सामने ला रहे हैं कि आरएसएस के मुखिया को इस ट्रस्ट का संरक्षक बना देंगे, तो इनको बना दीजिए संरक्षक, फिर देखिए क्या हाल करते हैं ये। इन्होंने आरक्षण के खिलाफ हमेशा से बिगुल बजाया है, बीन बजाया है, और पूरा अपना माइक पकड़ के बोला है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, सरेआम बोला है, और जब वोट मांगने का नंबर आता है तो फोटो किसकी लगाते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में? एक राजनाथ सिंह की, एक उमा भारती की, एक मौर्य की, और एक उनकी लगाई थी जो कि पंडित जी थे, कलराज मिश्र की। तो आप इनकी फोटो लगा देते हैं कि पंडित जी को लगे कि अरे ये तो हमारी ही बना रहे हैं, ठाकुर को लगे, जातिवाद है ना इनके अंदर, फैलाते हैं जातिवाद कि ठाकुर को लगे इन्हें बना रहे हैं, लोधी बाहुल्य क्षेत्रों में लगे उमा जी को बना रहे हैं, बनाया किसको? ऐसे व्यक्ति को जो कि सांप्रदायिकतावादी रहा है, जहर उगलता रहा है, और जहर उगलने का काम उन्होंने किया है। जब उनसे पूछा गया ईद कैसे मनाया, उन्होंने कहा ईद तो हमें मनाते ही नहीं, आप क्यों मनाने, ना मनाने से योगी जी कुछ नहीं होता, उत्तर प्रदेश का मुसलमान हिंदू ईद मनाता है साथ में, हिंदू जैसे ईद मैंने बताया कि सारे त्यौहार हम मिल बांट कर मनाते हैं और मनाते आए, और आपके कहने से कुछ होगा नहीं, आप जहर फैला लीजिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव लड़ा दीजिए, सांसद बना दीजिए, नाथुराम गौडसे के लिए आप गाते रहिए, नाथुराम गौडसे की विचारधारा के व्यक्ति ने 30 जनवरी 2020 को, 30 जनवरी का दिन होता है जब महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी नाथुराम गौडसे ने, और नाथुराम गौडसे की विचारधारा के व्यक्ति ने 30 जनवरी 2020 को जामिया में जो अहिंसावादी लोग आंदोलन कर रहे थे उन पर गोली चलाई, नाबालिग है वो व्यक्ति, कहते हैं कि नाबालिग आरोपी हो तो उसका नाम नहीं लेते, इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन शर्म आनी चाहिए ना इन लोगों को। और पुलिस तो ऐसे खड़ी थी पीछे जैसे कि दो पार्टी बन गई हो जी।
अच्छा साधना जी, जाते जाते एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप कांग्रेस पार्टी का भविष्य किसमें देखती हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो मंदी का दौर चल रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ये इसके मंदी के जो बादल हैं वो छंट जाएंगे, इनका फ्यूचर आपको थोड़ा सा ब्राइट लगता है, या फिर किसमें लगता है, आप किसको आने वाले समय में एक अच्छे स्ट्रांग नेता के रूप में देखती हैं कांग्रेस पार्टी के? मंदी का दौर तो कांग्रेस में नहीं चल रहा है, मंदी का दौर तो देश में चल रहा है जी। बेरोजगार है लोग, रोजगार नहीं है, रियल एस्टेट में बिजनेस नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अब जमीनों के दाम कम हुए हैं, तो कम दामों में भी लोगों की जेबों में इतना पैसा नहीं है कि जमीनें खरीद ले, और जब कांग्रेस आएगी तो देख लेना दाम भी बढ़ जाएंगे और फिर लोगों के पास पैसा भी आ जाएगा। तो मंदी का दौर कांग्रेस में नहीं है, मंदी का दौर देश के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, और उस मंदी के दौर से सब गुजर रहे हैं, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, चाहे मीडिया हाउसेज हो, चाहे वो कोई भी हो। अब उन मीडिया हाउसेज का नहीं बोल सकती जो मोदी जी से पैसा लेकर चल रहे हैं, उनके पास तो बहुत पैसा चल रहा है, और वो जाके वहां पे जाके शाहीन बाग को सीरिया बता देते हैं जाके, तो मैं उन लोगों की बात तो नहीं करूंगी। वो मेरे लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी की एक तरीके से एडवर्टीजमेंट की टीम है, जो बार 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 मोदी 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 चिल्लाते हैं। तो मैं विरोध करती हूँ, विरोध दर्ज कराती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, और पत्रकारिता का धर्म इस बात पे डिबेट करना नहीं है कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं घर में, राहुल गांधी जी कितनी बार नानी के घर गए, राहुल गांधी जी कौन से उत्तराखंड की कौन सी जगह पिकनिक मनाने गए, ये देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा ये है कि आज हिंदुस्तान में आर्थिक मंदी क्यों है, GDP 4.5 कैसे पहुंची, सही आंकड़ों से 2.5 कैसे पहुंची, ये आज विषय है कि आज दिल्ली में सीलिंग हुई तो मोदी जी 370 को हटाने के लिए विधेयक ला सकते हैं, सैलरी बढ़वाने के लिए सांसदों की विधेयक ला सकते हैं, तो फिर सीलिंग हटाने के लिए विधेयक क्यों नहीं ला सकते? इस पर बहस होनी चाहिए, नहीं होती, मुझे बुलाइए, बहस कीजिए, आऊंगी मैं डिबेट में। लेकिन आप कहेंगे जी राहुल गांधी जी ने ऐसा करते, राहुल गांधी जी ने किया, राहुल गांधी जी से पूछो, वो उनका पर्सनल मैटर है कि वो अपनी मम्मी के साथ बैठ के क्या खा रहे हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है वो कहां घूमने जा रहे हैं। आप कहीं जाते हैं चैनल के बड़े बड़े मालिक, तो हम उनसे पूछें कि आप कहां घूमने जा रहे हैं, क्या हमें इंटरेस्ट होना चाहिए? देश की जनता को कोई लेना देना नहीं है राहुल जी क्या कर रहे हैं, देश की जनता को आज लेना देना है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। और मोदी जी से ये लेना देना इसीलिए हो जाता है जब वो पाकिस्तान में जाकर आम खाते हैं, पाकिस्तान में कश्मीरी शॉल लेने जाते हैं, पाकिस्तान में सावन में झूला झूलने जाते हैं, और नवाज शरीफ से अपना दोस्ताना दिखाते हैं। तो ये लेना देना होना चाहिए, जब जिन पनामा पेपर में नवाज शरीफ और उसके बेटे का नाम आता है तो जेल में कर दिया जाता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का नाम आता है तो कुछ नहीं किया जाता है। तो साथ में यहाँ मैं बात करूंगी, लोकतंत्र जो अच्छा लोकतंत्र होता है उसकी खूबसूरती होती है एक अच्छा विरोध पक्ष होना। तो आपकी पार्टी क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत स्ट्रांग पार्टी रही है, और 70 साल देश पे राज भी किया है, तो क्या आज आपको नहीं लगता कि आप आजकल कांग्रेस जो पार्टी है वो एकदम मुद्दा विहीन और नेता विहीन हो गई है, इसीलिए वो अच्छी स्ट्रांग ऑपोजिशन की जो भूमिका है वो नहीं निभा पा रही, और शायद इसीलिए सरकार जो है सत्ताधारी सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है, उसको ये इस चीज की फ्रीडम मिल गई है कि वो जो चाहे जैसे करे? मुद्दा विहीन नहीं है पार्टी, पार्टी क्या देश में मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दा विहीन कैसे हो जाएंगे, मुद्दे ही तो मुद्दे हैं, सारे मुद्दे ही तो गिना रही थी आपको। लेकिन मोदी जी तो मुद्दों को दबाने के लिए क्या बात करते हैं, जैसे कोई मुद्दा लेके आएगा कहेंगे अरे लाल रंग हिंदुओं का है, हरा रंग मुसलमानों का है, अरे जय श्री राम, यानी हर चीज में धर्म आ गया। आप धर्म ले आएंगे, आप कश्मीर ले आएंगे, आप पाकिस्तान ले आएंगे, ये इतना लगाव है, जिन्ना जी को पाकिस्तान से इतना प्यार नहीं था जितना चुनावों में मोदी जी को पाकिस्तान से प्यार हो जाता है। हर किसी को कहेंगे अच्छा चुनाव इसको बोलो पाकिस्तान चले जाए, भैया पाकिस्तान तो आप जाते हो, अडवाणी जी गए थे जिन्ना जी की चद्दर चढ़ाने उनकी मजार पे, हम तो नहीं गए थे, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं था। अब ये मेरे से सवाल पूछते हैं जो मीडिया हाउसेस पूछते हैं चैनलों पे, राहुल गांधी जी के बारे में पाकिस्तान के नेताओं की अच्छी राय, अरे तो राहुल गांधी के भैया अच्छी राय तो पाकिस्तान के नेताओं से पूछो ना, ये पूछो उनकी अच्छी राय इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करते रहे, हम चाहते हैं संबंध अच्छे हों, लेकिन हम उस जगह पर अड़े हैं हमेशा जब सेनाओं में लड़ाइयां होती हैं, और अगर पाकिस्तान अपनी सीमा पार करेगा तो हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए, सेना अपना काम करती है करने देना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी जाके मंत्रियों को भेज दे आगरा में माला पहन के आओ जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ना तो मोदी जी जाते हैं सेनाओं पे ना उनके मंत्री जाते हैं, सेना पे सैनिक रहता है जिसकी हालत एक पत्रकार के द्वारा दिखाई गई टेलीविजन पे कि उसकी हालत क्या है, उसे खाने पीने तक को नहीं मिल रहा है जो सैनिक है, सैनिक भी परेशान है, महिलाएं परेशान है, समय समय पर उल्टी बातें इनके मंत्री करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, तो ये चीजें आज परेशानी का सबब बन जाएगा इनके लिए। आप देखिएगा आने वाले समय में 2024 में तो इनकी सरकार नहीं आ रही है। दूसरी चीज, अभी कल्याण सिंह जी का एक बयान आया, उन्होंने एक थोड़ा सा विरोध जताया अपनी बातों में कि जो कि ट्रस्ट बनाया जा रहा है राम मंदिर पे उसके अंदर उन्हें नहीं लिया गया। मेरा ये कहना है कि उमा भारती जी और कल्याण सिंह जी, मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, मेरी दादी के बराबर है उमा जी, दादाजी के बराबर है कल्याण सिंह जी,
और उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा उस टाइम पे इनके हिसाब से उस आंदोलन में, जबकि वो मुख्यमंत्री पद से हटे मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, उमा जी चिल्ला चिल्ला कर जाके आग लगाने का काम करती थी माइकों पे, और ये लोग लाल चौक गए थे झंडा फहराने के लिए। तो ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन जब ट्रस्ट बनाने का नंबर आया तो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज वो विरोध दर्ज तो कराना चाहते हैं मगर मोदी जी से इतना डरते हैं कि अपना दर्ज खुल के वो दर्ज ही नहीं करा पा रहे हैं विरोध अपना जी। तो मैं उनकी तरफ से उनका विरोध दर्ज करा देती हूँ कि उनको ये परेशानी है कि सिर्फ ये लोग उन लोगों को ले रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था उस आंदोलन से। विनय कटियार कहीं नहीं है, उमा भारती कहीं नहीं है, ट्रस्ट में कल्याण सिंह जी कहीं नहीं है। उस समय के जो लोग जिन्होंने अग्रणीय भूमिका निभाई उस आंदोलन में, वो लोग राम मंदिर के नाम पर आज कहीं दिखाई नहीं देते। उनका नाम होना चाहिए ट्रस्ट में, ये ट्रस्ट में उन्हें शामिल नहीं करेंगे ये बता रही हूँ, क्योंकि उमा भारती जी को तो मैं ये कहती हूँ भटकती आग में भाजपा की जी। और उन्हें जैसे कि किसी अपराधी को तड़ी पार कर देते हैं ना, वैसे उन्हें मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान जी ने तड़ी पार कर दिया और इसीलिए वो यूपी गई थी, झांसी से चुनाव लड़ी और अब इतनी अति हो गई कि लोकसभा का टिकट भी नहीं लिया। तो अभी एग्जिट पोल को लेकर मनोज तिवारी जी का जो बयान आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा मनोज तिवारी जी का जो बयान है, जो वो एक सीटों का एक आंकड़ा बता रहे हैं और उस पर अटक गए, अटक मतलब गए, उसको इतनी गारंटी के साथ कह रहे हैं जैसे कि ईवीएम मशीन के अंदर घुस के इन्होंने देख लिया है, बाकी सब तो रेंज दे रहे हैं, उन्होंने तो रेंज भी रेंज नहीं दिया। रेंज ही दी जाती है, एक आकलन होता है एक व्यक्ति का, एक पैमाना होता है जिस पर हम कुछ चीजों को रखकर आंकते हैं जी, बिल्कुल अंदाजा होता है। हाँ, वो एक आकलन तो है ही नहीं, ये तो गारंटी से जैसे पहले कहते थे 300 पार अटक गए थे, अमित शाह जी ने कहा नहीं 300 पार। तो ईवीएम पे हमने कई बार उंगलियां उठाई, केजरीवाल जी भी कल सामने आए, उन्होंने कहा कि हमें हैकिंग का डर है, ईवीएम हैकिंग का, क्यों चुनाव आयोग कल दो जगह पे ईवीएम पकड़ी भी गई जी, तो ऐसी जगहों से ईवीएम निकल रही है जहां पोलिंग बूथ नहीं है, तो वो सवाल या निशान होने चाहिए इन बातों पे। केजरीवाल जी ने रात में ये कहा और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग का जो एक आंकड़ा आता है कि इतनी परसेंट वोटिंग हो गई तो इतनी देर से क्यों आ रहा है, फिर उस आंकड़े में 1% का, 1% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है चुनाव में, तो कैसे अंतर आ गया, एकदम से कैसे बदल गया, तो ये सवाल है। और इन्हीं के भाजपा के नेता की किताब है जिनमें उन्होंने लिखा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, इलेक्शन कमीशन वालों ने ये आंकड़ा देने में देरी भी बहुत करी है और देरी दी भी तब है, देरी रिजल्ट भी तब बताया है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन अपना क्यों नहीं कुछ भी प्रतिक्रिया दे रहा। तो हमारे सवाल उठाने, अब हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा क्या? हर चीज के लिए हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो अभी एग्जिट पोल को लेकर मनोज तिवारी जी का जो बयान आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा मनोज तिवारी जी का जो बयान है, जो वो एक सीटों का एक आंकड़ा बता रहे हैं और उस पर अटक गए, अटक मतलब गए, उसको इतनी गारंटी के साथ कह रहे हैं जैसे कि ईवीएम मशीन के अंदर घुस के इन्होंने देख लिया है, बाकी सब तो रेंज दे रहे हैं, उन्होंने तो रेंज भी रेंज नहीं दिया, रेंज ही दी जाती है, एक आकलन होता है एक व्यक्ति का, एक पैमाना होता है जिस पर हम कुछ चीजों को रखकर आंकते हैं, बिल्कुल अंदाजा होता है। हाँ, वो एक आकलन तो है ही नहीं, ये तो गारंटी से जैसे पहले कहते थे 300 पार अटक गए थे, अमित शाह जी ने कहा नहीं 300 पार। तो ईवीएम पे हमने कई बार उंगलियां उठाई, केजरीवाल जी भी कल सामने आए, उन्होंने कहा कि हमें हैकिंग का डर है ईवीएम हैकिंग का, क्यों चुनाव आयोग कल दो जगह पे ईवीएम पकड़ी भी गई जी, तो ऐसी जगहों से ईवीएम निकल रही है जहां पोलिंग बूथ नहीं है, तो वो सवाल या निशान होने चाहिए इन बातों पे। केजरीवाल जी ने रात में ये कहा और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग का जो एक आंकड़ा आता है कि इतनी परसेंट वोटिंग हो गई तो इतनी देर से क्यों आ रहा है, फिर उस आंकड़े में 1% का, 1% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है चुनाव में, तो कैसे अंतर आ गया, एकदम से कैसे बदल गया, तो ये सवाल है। और इन्हीं के भाजपा के नेता की किताब है जिनमें उन्होंने लिखा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, इलेक्शन कमीशन वालों ने ये आंकड़ा देने में देरी भी बहुत करी है और देरी दी भी तब है, देरी रिजल्ट भी तब बताया है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन अपना क्यों नहीं कुछ भी प्रतिक्रिया दे रहा। तो हमारे सवाल उठाने, अब हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा क्या? हर चीज के लिए हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा क्या? तो वो चीज सोचने की बात है। आज एक एक वो समय आ गया है जब हमें सोचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, ऐसी सीट है जहां पता है कि कांग्रेस जीत सकती है या कोई और पार्टी जीत सकती है, वहां अचानक भाजपा जीत के आ जाती है, उन इलाकों में जीत जाती है जहां सालों से नहीं जीती सालों, और लोग ये भी लोग खुद अचंभित है कि हमने तो वोट दिया नहीं था, तुमने दिया था, वो कह रहे हमने भी नहीं दिया था। एक जगह जब मेयर का चुनाव चल रहा था यूपी में, तो एक महिला का वोट आया 0, उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ये कहा कि मैं अपनी हार स्वीकार तो करती हूँ लेकिन ये सवाल पूछती हूँ कि मैंने अपना वोट मुझे दिया था वो वोट कहाँ गया। तो प्रश्न है जी। और प्रश्न है, देखिए
धुआं वहीं से उठता है जब आग लगी होती है, तो अगर धुआं नजर आ रहा है तो कुछ तो कहीं है, आप उसको समझने की आवश्यकता है। इवन हम ये नहीं, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं है जी। लेकिन मोदी जी के लोग आगे एक आंकड़ा पेश कर जाते हैं और उस आंकड़े पे इतने दावे के साथ बातें करते हैं, तो उस पे सवाल होने चाहिए और उस पे चर्चा भी होनी चाहिए, उस पे एक तरह से मुझे लगता है कि होना चाहिए उसके पीछे डिस्कशन के साथ उसको ढूंढना खोजा जाना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर का भी बयान आया है इसके बारे में लेके कि 11 तारीख को बहुमत से सरकार भाजपा ही बनाएगी, तो वही बात है ना, उसके बाद आप देख सकते हैं पहले भी सरकार बनाने के लिए कुछ भी करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग पे उतर आते हैं, पैसा देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं अब ऐसा दौर भी हमने देखा है चुनावों में जब हमें अपने एमएलओ को इकट्ठा करके रिसॉर्ट्स में छिपाना पड़ता है जी, बिल्कुल, कि जैसे कुछ चुरा के ले जाए जी, बिल्कुल महाराष्ट्र में यही हाल हुआ। तो ये स्थिति महाराष्ट्र के तो अंदर मुझे लगता है कोर्ट ने लोकतंत्र की लाज बचाई है जी, बिल्कुल, कोर्ट ने अपने आप को बीच में लाके, नहीं तो ये तो लोकतंत्र की इज्जत लूटने पे बैठे हुए थे, ये तो लोकतंत्र को नोचने के लिए बैठे हुए, इनको कुर्सी दिख रही है बस और कुछ नहीं दिख रहा है। तो अंत में सिर्फ इतना कहूंगी, कुछ पंक्तियों के साथ बात खत्म करूंगी, ये कभी लाल में बांटते हैं कभी हरे में बांटते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी सब्जियां हिंदू मुसलमान हो जाए, कि लाल हिंदुओं की हो गई और हरी मुसलमानों की हो गई। अगर सब्जियां हिंदू मुसलमानों की हो जाएंगी तो उस पर यही कहती हूँ कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का भी बंटवारा हो गया, गाय हिंदुओं की हो गई और बकरा मुसलमानों का प्यारा हो गया। हमने मंदिरों में हिंदू, गिरजाघरों में ईसाई, गुरुद्वारों में सिख, तो मस्जिदों में देखे मुसलमान, मगर ये सोच कर हुई परेशान कि कहां मिलेंगे इंसान। ये पेड़ पौधे, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मंदिरों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। अंदाज जमाने को खलता है कि साधना भारती का चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है, मगर मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मेरी छत पे भारत का तिरंगा रहने दो। अगर लाल हरे में बांट रहे हो, अगर सारी सब्जियां हिंदू और मुसलमान हो जाएंगी तो क्या टमाटर, गाजर और चुकंदर जैसी सब्जियां हिंदू गृहणियां पकाएंगी? और मैं तो कई बार सोच के हैरान हो जाती हूँ कि ये बेचारा तरबूज कहाँ जाएगा, ये तो अंदर से हिंदू और बाहर से मुसलमान ही कहलाएगा। तो संगत का असर होता है सब्जियों के साथ साथ। अगर ये पेड़ पौधे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे तो क्या हरे पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेने हिंदू नहीं जाएंगे? क्या हरे पेड़ पौधों पर लगने वाले लाल फलों और फूलों को मुसलमान हाथ नहीं लगाएंगे? क्या प्रकृति और कुदरत के द्वारा बनाए गए इस एकता के बंधन को कोई भी कट्टरपंथी तोड़ पाएंगे? इन्हें कोई कट्टरपंथी नहीं तोड़ पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जात धर्म और ये जो तोड़ने का काम कर रहे हैं ये बंद करे भारतीय जनता पार्टी, मुद्दों पर आए, बात करे आर्थिक व्यवस्था की, बात करे आर्थिक मंदी की। अब कह दिया है, अभी मनमोहन सिंह जी का एक ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो एक ऐसा बैंक हो गया है अब जहाँ पे कुछ भी रिजर्व नहीं है जी, बिल्कुल। तो जहाँ रिजर्व नहीं है उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम उसको बोलते हैं जी। तो आज संस्थाओं पर सवालिया निशान है, लोगों पर सवालिया निशान है, ईवीएम पर सवालिया निशान है। जो डेवलप्ड कंट्री है वो ईवीएम का प्रयोग बंद करें, तो आपको जब आपको बताए लोग हमारे हैं, हम सही कर रहे हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है, कराइए। हम मैं मोदी जी से यही कहूंगी, भाजपा से यही कहूंगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि आइए भारतीय जनता पार्टी के लोग, कीजिए बहस, मगर कीजिए आर्थिक मंदी पे, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पर, मकान दुकान व्यापार पर बात कीजिए, नौकरी और कारोबार पर बात कीजिए, महिलाओं के सम्मान पर बात कीजिए। कितने महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष तुमने भाजपा में बनाया उतने गिना दीजिए। आइए कि आजादी के आंदोलन में तुम्हारा क्या योगदान रहा, बताइए कि सारे हिंदुस्तान के दंगे आपके शासन में क्यों बढ़ के, बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए क्यों पकड़े गए, बताइए कि आपके प्रधानमंत्री महिलाओं का इतना अपमान क्यों करते आए हैं, बताइए कि आपके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को क्यों भूल जाते हैं और फिर आप हमें अपनी गरिमा क्यों याद रखने के लिए कहते हैं। तो पहले खुद सुधारिए और उसके बाद सुधारिए, क्योंकि आंखों में अगर आपका चश्मा ही गलत नंबर का है तो धुंधला दिखेगा ही, तो पहले चश्मा साफ कीजिए। और नरेंद्र मोदी जी इतने महंगे महंगे सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट सिलवाया, सोने की तारों से मोदी मोदी लिखवाया, लेकिन उससे देश का भला नहीं हुआ। देश का भला रोजगार देने से होगा। योजनाओं के नाम चेंज करके योजनाएं मत चलाइए, कुछ अपने दिमाग से योजनाएं लाइए और ये उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए देश की सरकारी संस्थानों को मत बेचिए। इतना ही आह्वान मैं करूंगी और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, 11 तारीख को आंकड़े खुलेंगे। आश्वस्त करती हूँ, सांप्रदायिकतावादियों की सरकार नहीं बन रही है, अगर सरकार बनेगी तो धर्मनिरपेक्षतावादी सरकार बनेगी और धर्मनिरपेक्षतावादी मुख्यमंत्री आएगा, ये सांप्रदायिकतावादियों का मुख्यमंत्री तो नहीं बन। तो वो चीज सोचने की बात है। आज एक वो समय आ गया है जब हमें सोचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, ऐसी सीट है जहां पता है कि
कांग्रेस जीत सकती है या कोई और पार्टी जीत सकती है, वहां अचानक भाजपा जीत के आ जाती है, उन इलाकों में जीत जाती है जहां सालों से नहीं जीती सालों, और लोग ये भी लोग खुद अचंभित है कि हमने तो वोट दिया नहीं था, तुमने दिया था, वो कह रहा हमने भी नहीं दिया था। एक जगह जब मेयर का चुनाव चल रहा था यूपी में, तो एक महिला का वोट आया जीरो, उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ये कहा कि मैं अपनी हार स्वीकार तो करती हूँ लेकिन ये सवाल पूछती हूँ कि मैंने अपना वोट मुझे दिया था वो वोट कहाँ गया। तो प्रश्न है जी। और प्रश्न है, देखिए धुआं वहीं से उठता है जब आग लगी होती है, तो अगर धुआं नजर आ रहा है तो कुछ तो कहीं है जी। आप उसको समझने की आवश्यकता, हम ये नहीं लोकतंत्र की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं है जी। लेकिन मोदी जी के लोग आगे एक आंकड़ा पेश कर जाते हैं और उस आंकड़े पे इतने दावे के साथ बातें करते हैं, तो उस पे सवाल होने चाहिए और उस पे चर्चा भी होनी चाहिए, उस पे एक तरह से मुझे लगता है कि होना चाहिए उसके पीछे डिस्कशन के साथ उसको ढूंढना खोजा जाना चाहिए। प्रकाश जावेदकर का भी बयान आया है इसके बारे में लेके कि 11 तारीख को बहुमत से सरकार भाजपा ही बनाएगी, तो वही बात है ना, उसके बाद आप देख सकते हैं पहले भी सरकार बनाने के लिए कुछ भी करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग पे उतर आते हैं, पैसा देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं अब ऐसा दौर भी हमने देखा है चुनावों में जब हमें अपने एमएलओ को इकट्ठा करके रिजॉर्ट्स में छिपाना पड़ता है जी, बिल्कुल, कि जैसे कुछ चुरा के ले जाए जी, बिल्कुल महाराष्ट्र में यही हाल हुआ। तो ये स्थिति महाराष्ट्र के तो अंदर मुझे लगता है कोर्ट ने लोकतंत्र की लाज बचाई है जी, बिल्कुल, कोर्ट ने अपने आप को बीच में लाके, नहीं तो ये तो लोकतंत्र की इज्जत लूटने पे बैठे हुए थे, ये तो लोकतंत्र को नोचने के लिए बैठे हुए, इनको कुर्सी दिख रही है बस और कुछ नहीं दिख रहा है। तो अंत में सिर्फ इतना कहूंगी, कुछ पंक्तियों के साथ बात खत्म करूंगी, ये कभी लाल में बांटते कभी हरे में बांटते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी सब्जियां हिंदू मुसलमान हो जाए जी। कि लाल हिंदुओं की हो गई और हरी मुसलमानों की हो गई। अगर सब्जियां हिंदू मुसलमानों की हो जाएंगी तो उस पर यही कहती हूँ कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का भी बंटवारा हो गया, गाय हिंदुओं की हो गई और बकरा मुसलमानों का प्यारा हो गया। हमने मंदिरों में हिंदू, गिरजाघरों में ईसाई, गुरुद्वारों में सिख, तो मस्जिदों में देखे मुसलमान, मगर ये सोचकर हुई परेशान कि कहां मिलेंगे इंसान। ये पेड़ पौधे, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मंदिरों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। अंदाज जमाने को खलता है कि साधना भारती का चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है, मगर मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मेरी छत पे भारत का तिरंगा रहने दो। अगर लाल हरे में बांट रहे हो, अगर सारी सब्जियां हिंदू और मुसलमान हो जाएंगी तो क्या टमाटर, गाजर और चुकंदर जैसी सब्जियां ही हिंदू गृहणियां पकाएंगी? और मैं तो कई बार सोच के हैरान हो जाती हूँ कि ये बेचारा तरबूज कहाँ जाएगा, ये तो अंदर से हिंदू और बाहर से मुसलमान ही कहलाएगा। तो संगत का असर होता है सब्जियों के साथ साथ। अगर ये पेड़ पौधे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे तो क्या हरे पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेने हिंदू नहीं जाएंगे? क्या हरे पेड़ पौधों पर लगने वाले लाल फलों और फूलों को मुसलमान हाथ नहीं लगाएंगे? क्या प्रकृति और कुदरत के द्वारा बनाए गए इस एकता के बंधन को कोई भी कट्टरपंथी तोड़ पाएंगे? इन्हें कोई कट्टरपंथी नहीं तोड़ पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जात धर्म और ये जो तोड़ने का काम कर रहे हैं ये बंद करे भारतीय जनता पार्टी, मुद्दों पर आए, बात करे आर्थिक व्यवस्था की, बात करे आर्थिक मंदी की। अब कह दिया है, अभी मनमोहन सिंह जी का एक ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी, वो एक ऐसा बैंक हो गया है अब जहाँ पे कुछ भी रिजर्व नहीं है जी, बिल्कुल। तो जहाँ रिजर्व नहीं है उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम उसको बोलते हैं जी। तो आज संस्थाओं पर सवालिया निशान है, लोगों पर सवालिया निशान है, ईवीएम पर सवालिया निशान है। जो डेवलप्ड कंट्री है वो ईवीएम का प्रयोग बंद करें, तो आपको जब आपको पता है लोग हमारे हैं, हम सही कर रहे हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है, कराइए। हम, मैं मोदी जी से यही कहूंगी, भाजपा से यही कहूंगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि आइए भारतीय जनता पार्टी के लोग, कीजिए बहस, मगर कीजिए आर्थिक मंदी पे, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पर, मकान दुकान व्यापार पर बात कीजिए, नौकरी और कारोबार पर बात कीजिए, महिलाओं के सम्मान पर बात कीजिए। कितने महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष तुमने भाजपा में बनाया उतने गिना दीजिए। आइए कि आजादी के आंदोलन में तुम्हारा क्या योगदान रहा, बताइए कि सारे हिंदुस्तान के दंगे आपके शासन में क्यों भड़के, बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए क्यों पकड़े गए, बताइए कि आपके प्रधानमंत्री महिलाओं का इतना अपमान क्यों करते आए हैं, बताइए कि आपके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को क्यों भूल जाते हैं और फिर आप हमें अपनी गरिमा क्यों याद रखने के लिए कहते हैं। तो पहले खुद सुधारिए और उसके बाद सुधारिए, क्योंकि आंखों में अगर आपका चश्मा ही गलत नंबर का है तो धुंधला दिखेगा ही, तो पहले चश्मा साफ कीजिए। और नरेंद्र मोदी जी इतने महंगे महंगे सूट पहनते हैं, 10,00,000 का सूट सिलवाया, सोने की तारों से मोदी मोदी लिखवाया, लेकिन उससे देश का भला नहीं हुआ, देश का भला रोजगार देने से होगा।
योजनाओं के नाम चेंज करके योजनाएं मत चलाइए, कुछ अपने दिमाग से योजनाएं लाइए और ये उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए देश की सरकारी संस्थानों को मत बेचिए, इतना ही आह्वान मैं करूंगी। और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, 11 तारीख को आंकड़े खुलेंगे, आश्वस्त करती हूँ सांप्रदायिकतावादियों की सरकार नहीं बन रही है। अगर सरकार बनेगी तो धर्मनिरपेक्षतावादी सरकार बनेगी और धर्मनिरपेक्षतावादी मुख्यमंत्री आएगा, ये सांप्रदायिकतावादियों का मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की स्टार प्रचारक, बहुत ही ऊंधा विचारधारा के साथ, बहुत ही ऊंधे ख्यालों के साथ इन्होंने अपने विचार बहुत खुल के हमारे सामने पेश करे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी विचार यही है कि कल बीजेपी की नहीं आपकी सरकार आएगी। तो इन्हीं विचारधाराओं के साथ एक बार फिर साधना जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे चैनल में अपना कीमती समय निकाल के आई। धन्यवाद साधना। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की स्टार प्रचारक, बहुत ही ऊंधा विचारधारा के साथ, बहुत ही ऊंधे ख्यालों के साथ इन्होंने अपने विचार बहुत खुल के हमारे सामने पेश करे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी विचार यही है कि कल बीजेपी की नहीं आपकी सरकार आएगी। तो इन्हीं विचारधाराओं के साथ एक बार फिर साधना जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे चैनल में अपना कीमती समय निकाल के आई। धन्यवाद साधना जी।